मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। एनएलपी और हिप्नोसिस के माध्यम से लोगों को ठीक भी करता हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ चिता या चिंता के बारे में। क्या होता है कि हम 99% ऑफ द टाइम्स, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम हमारे अतीत के बारे में सोचने में बिताते हैं, पास के बारे में। और जब जब पास के बारे में हम सोचते रहते हैं तब तब हमें वो विचारों से डिप्रेशन आता है, निराशा आती है। ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा मैं करता था। कभी कभी मतलब ऐसा गुस्सा भी आ जाता है उसके बारे में, या कभी गिल्ट, अपराधीपन की भावना भी आती है, दुख होता है, और उसे कभी तकलीफ भी बॉडी को होती रहती है। फिर ज़्यादा ज़्यादा हो गया वो तो उससे फिर खुदकुशी के विचार भी आते रहते हैं। तो जब हम पास्ट में रहते हैं तब हमें डिप्रेशन आते रहता है। 99% ऑफ द टाइम्स वी आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि 0.9%, थोड़ा सा कुछ परसेंटेज हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में आगे क्या होगा, और फिर सोचते नहीं उसके बारे में चिंता करते रहते हैं। मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे नौकरी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, मेरी प्रमोशन होंगी कि नहीं होंगी, मेरे लड़के को कुछ होगा क्या, मुझे कुछ होगा क्या, मुझे कुछ बीमारी होंगी क्या, मैं फेल हो जाऊंगा क्या, मतलब काफ़ी सारी चिंताएं फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में लगी रहती है। तो चिंता जब हम करते हैं तो चिंता जीवित आदमी जो है उसको जलाती रहती है, और चिता जो है वो मरे हुए आदमी को जलाती है। तो जितना आप चिंता करोगे उतना ज़्यादा आपको जलन, मतलब खुद जल जाओगे उसमें। चिंता से आदमी जल जाता है, और उसमें फिर जब चिंता करता है तो फिर छाती में धड़कन, पैर में पैर कांपना, विचार करना, नींद नहीं आना, हाथ कांपना, घबराहट होना, ऐसे काफ़ी सारे विचार फिर भविष्य के बारे में आते रहते हैं। और फिर उसमें काफ़ी चिंतित होकर पूरी एंग्जाइटी न्यूरोसिस नाम की बीमारी, मतलब चिंता रोग आदमी को हो सकता है। यदि वहीं हमने वो जो पर्सनैलिटी है उसको वहीं हमने रोक दिया, वहीं उसका काउंसिलिंग किया, वहाँ साइकोथेरेपी किया, मानसोपचार किया, उसका इलाज वहाँ किया, कुछ थोड़ी भर थोड़ी बहुत दवाई दे दिया, तो उसका जो चिंता जो हो रही है वो कम हो जाएंगी और वो वहीं बीमारी आगे होने वाली हम रोक सकेंगे। और वैसे ही पास के बारे में, अतीत के बारे में, कि यदि उसके बारे में बार 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 आदमी सोच रहा है, वो विचार आते जा रहे हैं, विचार आते जा रहे हैं, और उससे वो उसको नर्वसनेस आ रहा, उदासीनता आ रही है, तो उसके बारे में यदि हम उसका वहीं काउंसिलिंग किया, वहीं उसका मानसोपचार किया, बहुत ज़्यादा यदि दिख रहा है तो उसकी वहीं दवा दिया और उसको वहीं के वहीं रोक दिया, सपोर्ट किया उसको, तो वो डिप्रेशन में आदमी जाएगा नहीं। क्योंकि हम जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पास के बारे में सोचते हैं, तो वर्तमान में हम मौजूद ही नहीं है। वर्तमान में रहते कहाँ हैं? यदि हम वर्तमान में रहना सीखेंगे, वर्तमान में आना सीखेंगे, अभी क्या है, राइट नाउ, अभी क्या है, वहाँ हम रहना सीखेंगे तो कोई बीमारी होंगी नहीं। मगर हम वर्तमान में रहते ही नहीं है, हम एक तो पास्ट में रहते हैं, अतीत में रहते हैं, भविष्य में रहते हैं। तो यदि ज़्यादा तकलीफ होते जा रही है तो उसका इलाज होना जरूरी है, अदरवाइज वो डिप्रेशन की पर्सनैलिटी है, डिप्रेशन का व्यक्तिमत्व है, ऐसा हम कह सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा सोचता है पास के बारे में और दुखी होते रहता है, या बहुत ज़्यादा सोचता है फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, और वो उसकी पर्सनैलिटी एंग्शियस पर्सनैलिटी है। तो ये दोनों भी पर्सनैलिटीज़ है, फ्यूचर के बारे में और पास के बारे में, वो दोनों का मतलब वहीं यदि रोकना है, आगे उसको बढ़ने देने का नहीं है, तो उसका काउंसिलिंग करना, मानसोपचार करना, थोड़ी मात्रा में दवा देना, वो हम करते रहते हैं, और वो हम यदि उसको कर सके, उसको सपोर्ट दे सके, तो आगे आने वाली बड़ी बीमारी हम टाल सकते हैं। उसके लिए काफ़ी सारे साइकियाट्रिस्ट मौजूद रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, और उनके तरफ से आपने इलाज यदि कर लिया, उसका सपोर्ट ले लिया, तो होगा नहीं। क्योंकि क्या आदमी इतना चिंतित है कि आगे क्या होगा, क्या होगा, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं क्या होगा, उससे वो आदमी टेंशन में ही है। ये जो सदी है, 21वीं सदी, इसमें टेंशन टेंशन ही है, लोगों को कंटिन्यू टेंशन है, तो क्या होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा, सोचते रहता है, या फिर डिप्रेशन के बारे में, पास के बारे में। तो इसका जरूर आपके आजू बाजू में मतलब ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको इस तरह का प्रॉब्लम होगा। ये जरूर वीडियो आपके फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें वो लोगों को मदद होगी कि जो ऐसे तकलीफ में है, जो कुछ अपना खुद का इलाज करना चाहते हैं, कुछ अपना सलाह लेना चाहते हैं, तो उनका वो जीवन खुशी से जी सकेंगे और एक भारत का नवनिर्माण हम कर सकेंगे। क्योंकि ये व्यक्ति यदि काम में आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारे समाज की बढ़ जाएगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।